देखो अगला पॉइंट जो हमारा निकल के आ रहा है, छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, बहुत अच्छे। समेशन रूल, समेशन रूल हुआ ये कि मुझे एक से ज्यादा लोकेंड मिलने लगे, दो तक भी काम चल रहा था, लेकिन मेरे को पता चला तीन चार पांच, तो मुझे थोड़ा सा कंफ्यूजन हुआ कि मैं क्या करूं। मैंने अपने रूल को अपडेट कर लिया अभी कुछ ही साल पहले, और ये कह दिया, एक नया रूल दे दिया, समेशन रूल, यानी लोकेंड की पोजीशन का समेशन करो और जो कम आए उसे आप लेके चलो। फॉर एग्जाम्पल देखिए ध्यान से, ये एक बहुत बड़ी चेन थी, ठीक है, यहां पर क्लोरीन है, यहां क्लोरीन है और यहां ब्रोमीन था। तो कैसे करेंगे हम, ध्यान से सुनना, नंबरिंग हमारे पास दो ऑप्शन है, हमने यहां से करा 1 2 3 4 5 6 7 8, एक ये नंबरिंग पॉसिबल थी। इसमें मेरे जो लोकेंट थे या साइड चेन थी उनको समेशन किया, तो कितना था, 2 + 2 + 8, कितना हुआ, 12। समेशन रूल इस तरह से वर्क कर रहा है, जितने भी लोकेंट की पोजीशन है उसको ऐड कर दो। एक है तो कोई दिक्कत ही नहीं थी, क्यों, क्योंकि समेशन रूल की जरूरत ही नहीं पड़ती एक या दो में, तीन में पड़ रही है। दूसरा पॉइंट, अगर नंबरिंग यहां से करिए 1 2 3 4 5 6 7 8, तो अब समेशन रूल क्या होगा, 1 + 7 + 7, 7 2 14 और 1 15, तो कौन सा लो नंबर है, लो लो नंबर ये है और ये हाई है, तो ये सही है ये गलत है, भले ही चेन में यहां लोकेंड पहले आ रहा है, तो इसकी जरूरत मुझे कब पड़ रही है, जब आपको दो या दो से ज्यादा ग्रुप दिख रहे हो, दो से ज्यादा दिख रहे हो, दो तक तो आपका कोई दिक्कत ही नहीं आती। अगर ये नहीं होता ना, ये नहीं होता, तो आप देख लो यहां पोजीशन करते तो 2 + 8 कितना होता, 10, और इधर से करते तो 1 + 7 8, दोनों बराबर आ जाते, समझ रहे हैं आप, 2 + 8 10 आता और यहां पर 1 + 7 8 आता, तो 7 छोटा होता, अपने आप ही जहां से पहले आ रहा है वो काम चल जाता। लेकिन ज्यादा लोकेंट होने पे आपको समेशन रूल लगाना पड़ेगा, कब, जब दो से ज्यादा लोकेंट हो, और आपको इसको सही मानना पड़ेगा और इसको गलत मानना पड़ेगा, और फिर उसी के आधार पे आपको नेमिंग करनी पड़ेगी। आर यू गेटिंग दिस पॉइंट? तो कुछ समेशन रूल का हमें बेनिफिट मिलेगा तो वो यहां मिलेगा, और इसका एक्चुअल नाम क्या होगा फिर उस हिसाब से, 8 ब्रोमो 2,2 डाई क्लोरो ऑक्टेन। ऑक्टेन, आर यू गेटिंग दिस पॉइंट? एनी डाउट? तो पहले आ गया तब बेनिफिट होता है जब एक या दो लोकेंट हो, ज्यादा लोकेंट होते ही अब आपको समेशन रूल लगाना पड़ेगा, सही है? जनरली तो ऐसा होता है, जो पहले आ गया उसका समेशन रूल भी क्या होगा, कम हो जाएगा, तो कोई दिक्कत ही नहीं आती थी, लेकिन ज्यादा लोकेंट में आपको देखना पड़ेगा। और ये पता है मेरे लिए सबसे ज्यादा काम कब आता है, जब साइक्लिक कंपाउंड हो, बड़ा मजा आता है। एमी 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 सही है। तो यहां पर नंबरिंग अगर आप कर रहे हो तो 1 2 3 4 5 6 7, तो समेशन रूल क्या होगा, 2 + 3 + 3 + 6 + 6, और उल्टा चले 1 2 3 4 5 6 7, तो आपके पास 2 + 2 + 3 + 5 + 5 + 6। एक बार यहां देखते हैं, 2 + 3 + 3 + 5, 5 भूल गए थे, तो ये वैल्यू कितनी आ रही है, 3 2 5 6 7, 7 6 13, 13 और 6 19 और 19 5 24, ठीक
ठीक है, यहां समेशन देखते हैं, दो दो चार, चार तीन सात, सात पांच बारह, बारह पांच सत्रह, सत्रह और 23। ये वैसे भी दिख रहा था यार, इसमें बहुत जल्दी जल्दी दिख रहे थे, समझ में आ रहा है? ये सही है और ये सही है, तो इसके अकॉर्डिंग इसका यूपीएससी नेम क्या होगा? ऑरेंज वाला सही है, तो 2, 2, 3, 5, 5, 6 सही है, 2, 2, 3, 5, 5, 6 तीन तीन छह, हेक्सा, हेक्सा मिथाइल हेप्टेन, ये हमारे पास इसका नाम हो गया टोटल। इज दैट क्लियर? तो ये तो हमने पढ़ा समेशन रूल, और समेशन रूल का मेन यूज आपके आने वाला है साइक्लिक कंपाउंड में, जो आप थर्ड नंबर पे पढ़ने वाले हैं। तो ये रूल भी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आने वाला कॉन्सेप्ट, और वो है हमारे लिए नंबरिंग एंड नेमिंग ऑफ साइड चेन। देखिए, कई बार ऐसा होता है कि साइड चेन बहुत छोटी होती है, जैसे मिथाइल इथाइल क्लोरो ब्रोमो, छोटी गैप पैदा हुई खत्म। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि साइड चेन अपने आप में बहुत मोटी होती है, बड़ी होती है, उसमें भी ब्रांचेस होती है, यानी ब्रांच में भी सब ब्रांच होगी। तो इस तरह के साइड चेन को हम कॉम्प्लेक्स चेन या कॉम्प्लेक्स लोकेंड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कॉम्प्लेक्स लोकेंड। तो हम बात कर रहे हैं, इफ साइड चेन हैविंग सब साइड चेन देन इट्स ए कॉम्प्लेक्स चेन और लोकेंट, चेन ऑब्लिक लोकेंट। हम इसको साइड चेन को कॉम्प्लेक्स लिगेंड में देखते हैं, और इनको हम रिप्रेजेंट करते हैं ब्रैकेट में। And we need numbering of side chain सही है। तो यहां कुछ रूल्स आएंगे, फर्स्ट रूल ऑफ नंबरिंग, छोटे छोटे पॉइंट्स का ध्यान रखना है यहां पर, रूल ऑफ नंबरिंग। तो ये हमारे पास सपोज बहुत बड़ी चेन है, ठीक है, और ये साइड चेन है इसके अंदर, मान लीजिए ये साइड चेन है। तो देखिए, हम इसकी नंबरिंग तो कर रहे हैं बड़ी चेन की, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 कहीं से भी जाएं बराबर ही आ रहा है, समझते जाएं। तो हम नंबरिंग कहां से करेंगे इसकी? 1, 2, 3। इससे मतलब नहीं है कि इस तरह से नंबरिंग करने पे मिथाइल पहले आएगा, कोई मतलब नहीं, आए या ना आए, हमेशा नंबरिंग स्टार्ट फ्रॉम अटैच एटम। तो बस इतना सा लिख दीजिएगा, नंबरिंग स्टार्ट फ्रॉम अटैच एटम डायरेक्टली, भले ही साइड चेन की पोजिशन पहले आए या बाद में आए, नंबरिंग स्टार्ट फ्रॉम अटैच एटम ऑलवेज, नंबरिंग स्टार्ट्स फ्रॉम अटैच्ड एटम, अटैच्ड कार्बन एटम। तो यहां से हम स्टार्ट कर देंगे, पहली चीज क्लियर है। दूसरा पॉइंट, अगर ऐसी चेन एक से ज्यादा हो गई साइड चेन, तो वहां तो लगता था डाई ट्राई टेट्रा, यहां लगेगा बिस ट्रिस वगैरह। मैं वापस स्टार्ट करता हूं,
ये आपके पास साइड चेन आ गई, और ये आपके पास साइड चेन आ गई, और 1 2 3, 1 2 3, और दोनों सिमिलर हैं, सही है। तो नंबरिंग कहां से स्टार्ट करोगे? 1 2 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 7 8, नंबरिंग यहां से स्टार्ट होनी चाहिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, और इनकी नंबरिंग कहां से स्टार्ट होनी चाहिए? यहां से 1 2 3 1 2 3। ध्यान दीजिएगा, अगर आप कोई पुराना एडिशन पकड़ते हैं 2004 से पहले का एडिशन, तो पहले आईयूपीएसी रूल में ऐसा था, कोई भी बुक का एडिशन पुराना हुआ तो वो ये लिखेगा साइड चेन की नंबरिंग डैश में शो करते थे, 1 डैश 2 डैश 3 डैश, और साइड चेन के अंदर भी अगर साइड चेन हो तो उसकी नंबरिंग फिर 1 डबल डैश 2 डबल डैश 3 डबल डैश होता है। लेकिन अब वो चीज़ हटा दी, उन्होंने कहा इसकी जरूरत नहीं है, आप तो सिंपल ही करें 1 2 3। आर यू गेटिंग दिस पॉइंट? तो गलत वो भी नहीं है, मोर करेक्ट ये है, लेकिन डैश वाला सिस्टम अब धीरे धीरे हटा दिया गया है। तो अब आपके पास एक जैसी दो चेन है, तो क्या यूज करेंगे? बिस। तो डबल के लिए बिस, ट्रिपल के लिए ट्रिस, और फोर के लिए बिस ट्रिस टेट्रा। इस तरह से टेट्राकिस, टेट्रा पेंटाकिस। तो ये हमारे पास हो रहा है एक बेसिक से फॉर्मेट के लिए। बाकी और कोई आसान, बाकी नंबरिंग बहुत आसान है, 6.8 नेमिंग करते वक्त 6.8 बिस हमारे लिए हो जाएगा बिस, और उसके बाद हो जाएगा 2 मिथाइल प्रोपाइल। आ रही है बात समझ में? 2 मिथाइल प्रोपाइल ब्रैकेट क्लोज पेंटा डेकेन। आर यू गेटिंग दिस पॉइंट? एनी डाउट? कुछ की पॉइंट आपको याद रखने पड़ेंगे। वो की पॉइंट क्या है मैं आपको बताता हूं। देखो की पॉइंट क्या है, इस वर्ड को पकड़ना। सबसे अच्छा पॉइंट ये है कि जब हम नेमिंग लिख रहे होते हैं, की पॉइंट इंपॉर्टेंट पॉइंट भी है नेमिंग के लिए, जब भी आपके पास डाई ट्राई टेट्रा ये वर्ड लिखे रहते हैं तो इनको अल्फाबेटिक में काउंट नहीं करते, नॉट काउंट इन अल्फाबेटिक, नॉट काउंट इन अल्फाबेटिक, इनको काउंट नहीं करते। बट इन केस इन कॉम्प्लेक्स लिगेंड, कॉम्प्लेक्स लॉकेंट, लिगेंड नहीं लॉकेंट, आगे आप कोऑर्डिनेट केमिस्ट्री पढ़ते हैं तब आता है काम लिगेंड वर्ड, लेकिन अभी तो लॉकेंट वर्ड आएगा, कॉम्प्लेक्स लॉकेंट या साइड चेन। इन केस ऑफ कॉम्प्लेक्स लॉकेंट दे काउंट इन अल्फाबेट, यानी अगर आपके पास इथाइल है और डाई मिथाइल है तो डी को काउंट करोगे, कब? जब वो कॉम्प्लेक्स में है, डाईमिथाइल पहले आएगा, इज दैट क्लियर? लेकिन अगर नॉर्मल है तो फिर डाई ट्राई को काउंट नहीं करेंगे।
आर यू गेटिंग दिस पॉइंट? इसका यूज जनरली बहुत कम होता है, लेकिन ये रूल है। ऐसे एग्जाम्पल बहुत कम बनते हैं क्योंकि बहुत बड़े एग्जाम्पल होते हैं, तो मुझे नहीं लगता अभी तक कि किसी कॉम्पिटिशन में पूछे जाएंगे, इतना बड़ा डायग्राम बनाना बहुत मुश्किल हो जाता है। लेकिन पूछा जाए तो ये बात ध्यान रखना है आपको कि अगर यहां पर अंदर डाई है तो डाई को एज ए अल्फाबेटिक ऑर्डर में लिखना पड़ेगा, यानी डाई मिथाइल इथाइल से पहले आएगा, लेकिन ओपन चेन में डाई मिथाइल और इथाइल में इथाइल पहले आएगा, क्योंकि डी डाई मिथाइल का डी काउंट नहीं करते। आर यू गेटिंग दिस पॉइंट? एनी डाउट अदर? नो। तो ये एक बहुत अच्छा रूल आपके लिए हो गया, नेमिंग ऑफ डाई ट्राई टेट्रा नॉट काउंट इन अल्फाबेट, बट इन केस ऑफ कॉम्प्लेक्स लोगेंड दे काउंट इन अल्फाबेटिक ऑर्डर। अपनी लैंग्वेज में लिख सकते हैं। समझ में आ गई बात मैं क्या कहना चाह रहा हूं? तो ये हमारे लिए हो गया नेमिंग ऑफ हाइड्रोकार्बन, सिर्फ हाइड्रोकार्बन, वो भी सैचुरेटेड। अनसैचुरेटेड की तो मैंने बात ही नहीं की अभी। क्या बेटा? बिस ट्रिस को? नहीं, बिस ट्रिस को अल्फाबेटिक ऑर्डर में काउंट नहीं करेंगे क्योंकि अब वो डाई ट्राई का ही यूज कर रहा है। तो ये बहुत बड़ा लॉजिक हो गया था कि वाई वी आर यूजिंग बिस एंड ट्रिस, ठीक है ना, क्योंकि बिस ट्रिस को अल्फाबेट में काउंट नहीं कर रहे, जबकि डाई ट्राई को अब काउंट करना पड़ेगा। आर यू गेटिंग दिस पॉइंट? इसीलिए मैंने डाई ट्राई को बिस ट्रिस में चेंज कर दिया। और कोई डाउट? तो अब धीरे से मैं सैचुरेटेड पे आऊं, उससे पहले मुझे एक और टर्म समझानी पड़ेगी और वो है नेमिंग ऑफ अल्काइल रेडिकल, यानी रेडिकल। आपने अभी तक रेडिकल के बारे में पढ़ तो रहे हो, रेडिकल किसे बोल रहे हो? मिथाइल इथाइल ये रेडिकल ही है। इसको और ज्यादा डेप्थ में पढ़ेंगे, तो पहले तो ये चीज क्लियर हो गई। इसमें ऐसा कोई पॉइंट जो आपको दिक्कत कर रहा है? नहीं ना, फिर प्रैक्टिस करोगे तो खत्म हो जाएंगे वो भी प्रॉब्लम। मैं आपको तो इनकी नेमिंग कुछ एग्जांपल जो हमने करे वो देख लेते हैं। ये सारे नो कार्बन वाले हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। आप आराम से इनकी नेमिंग कर सकते हैं। तो नोनेन तो आएगा ही, साइड चेन है 1 2, सही है 3। तो क्या होगा इसका साइड चेन? फिफ्थ पे ब्रैकेट बनेगा क्योंकि कॉम्प्लेक्स साइड चेन है, और फिर हम यहां पर लिखेंगे 1, 2 डाई मिथाइल, ब्रैकेट क्लोज, खत्म पूरा, डाई मिथाइल प्रोपाइल, ब्रैकेट क्लोज, डाई मिथाइल, और फिर ये भी अपने आप में साइड चेन है तो प्रोपाइल आएगा ना कि प्रोपेन। आ रही है बात समझ में? डाई मिथाइल प्रोपाइल। अब ये मेन चेन है तो क्या हो जाएगा? नॉनेन। यहां से 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो यहां पर मेरे पास 1 2 3, तो यहां पर हमारे पास 5 पे 1, 1 डाई मिथाइल प्रोपाइल, ब्रैकेट क्लोज, नॉनेन। यहां 1 2 3 4 5 6 7 8 9, आप इधर से करेंगे तो भी 5 पे आएगा, तो यहां पर 1 2 3, इधर जाएंगे 1 2 3, तब भी बराबर ही आ रहा है चेन, तो यहां पर आएगा आपके पास 5 ब्रैकेट 1 इथाइल प्रोपाइल, 1 इथाइल प्रोपाइल नॉनेन। यहां पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो यहां 1 2, बस, तो क्या हो जाएगा 1 5 पे 1, 1 डाई मिथाइल इथाइल, ब्रैकेट क्लोज, नॉनेन। उम्मीद करता हूं सारे सही करें, सही है? तो यहां तक आपको पूरा अच्छे से आता है,